नमस्कार दोस्तों, रंजीत तंजोर आर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं अपना खास कलेक्शन दिखाने वाला हूँ जो श्रीनाथ जी का है। और वो अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग साइज में, अलग अलग स्टाइल में है। इतना कलेक्शन कभी आपने देखा नहीं होगा। तो मेरे साथी जो काम करते हैं हमारे साथ में ही, गोपाल वैष्णव, तो ये हमारा मतलब हम ये समझ लो कि साथ में ही काम करते हैं। तो उनका और मेरा कलेक्शन है ये, तो बहुत स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने न तो फेसबुक में देखी होगी, न इंस्टाग्राम पे देखी होगी, न यूट्यूब में देखी होगी। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले गोल्डन सेना जी। ये 2.5-4 का पीस है और ये पूरे गोल्डन नगों से बनाया हुआ है और एक एक चीज उठा के बनी हुई है इसमें। बहुत ही बारीकी से एक एक नग लगा रखे हैं और इसी कारण इनकी छटा इतनी अद्भुत नजर आ रही है। और इसका नगों का थोड़ा सा मैं और इस बताना चाहता हूं। एक बार लाइट बंद करो। अब इसके नग जो चमक रहे हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग लगने के बाद हल्की सी भी अगर हम आपने रोशनी रखी तो उससे नग इतने चमकेंगे कि आप खुद कहेंगे कि भाई क्या चीज बनी। उसके साथ ये ब्लैक एंड वाइट में और सिल्वर में, ये सांवरिया सेठ जी का की पेंटिंग है। और इसकी इसका काम देखना हो, इनके नगों की चमक देखनी हो, नगों की क्वालिटी देखनी हो, तो इसको लाइट बंद करके हल्की सी रोशनी हम करेंगे तो हम देख सकते हैं। तो काफ़ी कलेक्शन कर रखा है। ये खाटू श्याम जी की पेंटिंग, और ये अलग अलग वैरायटी की पेंटिंग है। इसमें गोल्ड भी है, ये कलिका सिंगार पेंटिंग बोलते हैं, ये सिल्वर कलर में है, सिल्वर एंड वाइट और मोती से बनी हुई पेंटिंग है। इसी तरह से खाटू श्याम जी, तो यहाँ पर भंडार है पेंटिंग का, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारा कलेक्शन हमने कर रखा है। अब आप देख सकते हैं जो खाटू श्याम जी की छटा, और सबसे बेस्ट जो जरकन होते हैं वो हम लगाते हैं। ये भी सांवरिया सेठ का फोटो है। यहाँ पेंटिंग छोटी से छोटी मिलेगी, बड़ी से बड़ी मिलेगी। ये सब 18-24 की साइज है और भी छोटी छोटी पेंटिंग काफी कलेक्शन में है हमारे पास। तो दोस्तों, अगर इकट्ठी चाहिए, किसी को गिफ्ट देना है या ऑर्डर से बनवाना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा नंबर तो आप लोगों के पास हो है ही है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर है 9313322431। और भी थोड़ा सा कुछ कलेक्शन रह गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कुछ काफ़ी पेंटिंग है मेरे पास फ्रेम की हुई भी है, तो फ्रेम करके हम उसको थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से हम पैक करके रख देते हैं, और इसीलिए धूल मिट्टी ने जमे, ग्लास नहीं टूटे, इसके लिए हमने सब पेंटिंग उल्टी करके रखी हुई है। जैसे ये लाइन से लगा रखे हमने फ्रेमिंग करके, तो फ्रेम करने के बाद काफ़ी पेंटिंग हेवी हो जाती है। और ये है देखो झूले पर राधा कृष्ण, तो किसी को भी किसी भी तरह की किसी भी साइज की पेंटिंग बनवानी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई पेंटिंग के साथ। जय हिंद।